हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे देखिए ये सूट का बचा हुआ कपड़ा है जिसका आज यूज करेंगे तो ट्वेंटी बाय 30 इंच इसका इसका नाप है अब इसी के नाप से हमने नॉन वन और फॉर्म कट कर लिया है देखिए यहाँ पे आप प्राइस बैग ले सकते हैं और यहाँ पे हमें सीधी लाइनें करके स्टिच करना है इस तरीके से देखिए अब देखिए हमें इसे ऐसे फोल्ड कर लीजिए और ऊपर से ऐसे थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिए यहाँ पे आपको अगर ऊपर कॉर्नर रखना है तो रख सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है और राउंड शेप देना है तो ऐसे कट कर लीजिए और इसे ऐसे फोल्ड करके दूसरी साइड का भी सेम शेप दे दीजिए अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे पीछे की ओर ऐसे फोल्ड कर लें और कॉर्नर पर टू इंचिस मार्क कर लीजिए देखिए ये दूसरी ओर और ये टू इंचिस जो हमने मार्क किया है वहाँ पे सीधी लाइन कर लीजिए और दूसरी साइड भी हम वैसे ही टू इंचेस पे मार्क करेंगे और फिर सीधी लाइन कर देंगे ऐसे हमें लाइन कर लेनी है और दोनों साइड हमने लाइन कर ली है अब हम यहाँ पे टू पे मार्क करेंगे और फिर कट कर लेंगे कट करने के बाद मैंने यहाँ पे जिप ली है इसे ऐसे उल्टा रख के स्टिच कर लिया है फिर आपको क्या करना है यहाँ पे प्रेस टीच करनी है अब हम ऊपर का पार्ट अटैच करेंगे इसे ऐसे रख लीजिए और फिर स्टीच करें फिर आपको यहाँ पे प्रेस स्टीच करनी है और उसके बाद आपको क्या करना है जिप के अंदर रनर को डाल देना ये देखिए यहाँ पे हमने प्रेस्टिच कर ली है आपको जिप के अंदर रनर डालना बहुत ही आसान है ऐसे खुला पार्ट है वहाँ से डालना है अब देखिए ये जो मार्क है वहीं से हमने ये नाप लेके कर नो का पार्ट कट किया है इसे ऐसे स्टिच करके जोड़ लीजिए तो ये हमारा पॉकेट रेडी हो गया है अब हम क्या करेंगे ये ऐसे फोर्टीन बाय थ्री इंच के दो पार्ट लेने हैं और इसे हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है और दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है रेसे नहीं निकल रहे इसीलिए मैंने ऐसे ही फोल्ड कर लिया है ये देखिए अब हम सेंटर में आपको जितनी भी जगह रखनी है उतनी रख लीजिए और ऐसे अटैच कर दीजिए अटैच कर दीजिए हैंगर को उसके बाद फोर बाय ट्वेंटी सेवन इंचज का ऐसा बॉर्डर ले लीजिए और ट्वेंटी सेवन इंचिस का आपको जिप लेना है उसे ऐसे उल्टा रख लीजिए और ऐसे स्टीच कर लीजिए देखिए इस तरीके से फिर आपको यहाँ पे प्रेस्टिच करनी है प्रेस्टिच यहाँ पे इस तरीके से आपको करनी है उसके बाद दोनों साइड से आपने रनर को डाल दिया है और सेंटर में आपको मार्क कर देना है इस तरीके से आपको मार्क करना है उसी तरीके से ये ये देखिए ये जो पार्ट है वहां पे भी हम मार्क कर लेंगे तो अब हम ये दो मार्क है ना जो हमने बॉर्डर में किया है वो और जो मेन पार्ट में उसे ऐसे मिलाकर आपको यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करना है और ये जो मार्क है वहाँ तक आपको स्टिच करना है उसी तरीके से दूसरी साइड भी आपको मार्क तक स्टिच करना है यहाँ पे देखिए हमने ऐसे स्टिच कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसे ऐसे घुमाएंगे और फिर यहाँ पर स्टिच कर लेंगे स्टिच हो गया दोनों साइड अब दूसरी साइड भी ऐसे ही स्टिच करें और फिर इसे ऊपर की ओर फोल्ड कर लीजिए और फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है अब देखिए ये रेडी हो गया है अब हम फिनिशिंग के लिए और ऐसे ना निकले इसलिए ये मैंने स्ट्रिप कट की है इसे ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच कर लीजिए आप कपड़ा भी यूज कर सकती हैं अब देखिए ये हमने कवर सिलाई कर ली है अब हम इसे सीधा कर लेंगे तो कितना अच्छा सा हमारा ट्रैवल बैग रेडी हो गया है और इसमें आप अच्छे से पूरा पॉकेट खुल सकते हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से इसके अंदर सामान रख सकती हैं ऊपर भी आप बहुत कुछ रख सकती हैं तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं ऐसे नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय जय भारत